अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। देखिए फ्रेंड्स, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना होगा ये। देखें कितना पुराना है ये। और पीपल के आई थिंक सो। हाँ, इधर से देखते हैं। हाँ, इधर फूल बनाया हुआ है जी। टूरिस्ट टाइम हुए हैं ज़्यादा नहीं अभी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं आए, दोपहर में शाम में आते हैं। बट मैंने तो सोचा वीडियो शूट करती हूँ, मैं टाइम से आती हूँ। हाँ, इधर स्विमिंग पूल है, सेपरेटली है कुछ। OMG फ्रेंड्स, वो इसके ऊपर बैठा हुआ है बर्ड, पता नहीं कौन सा बर्ड है, वो देखें उड़ रहा है। इसका कलरफुल, माशाल्लाह से इतना कलरफुल है, वो देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बनाए हैं इसके कलर। इसके विंग्स हैं ना मल्टी कलर के हैं, बहुत खूबसूरत। और फ्रेंड्स, ये अगर आपको धूप में, मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रहा लेकिन शायद कैमरे में आ रहा होगा, एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं छोटे छोटे। हम इसको हेलीकॉप्टर बोलते थे छोटे होते ना, मैं और मेरी सिस्टर पकड़ते थे। और ये देखें कितना अच्छा कलर है ना इसका, कलर हो रहा है डिफरेंट कलर के हैं। ये देखें ये देखें, ये हेलीकॉप्टर है। ये देखें यहाँ भी कितने दरख्त हैं, कितना मज़ा आ रहा है। हम अक्सर, मेरी गाड़ी में हमेशा कपड़ा, एक चादर पड़ी होती है, बेड शीट रखी हुई हमने डबल बेड वाली, और लेके बैठते हैं, बिछाते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये देखें क्या व्यू है माशाल्लाह से। और ये देखें ट्रैक बनाया है, और ये देखें फिर फ्लावर्स की लाइन लग गई है भाई। ये देखें, ये देखें व्यू माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। अभी फ्रेंड्स मैं इधर आ तो गई हूँ, अभी मुझे समझ नहीं आ रही है कि एग्जिट किधर है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको आधा ही पार्क दिखाया है, उससे ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं सकती। फिर किसी दिन आऊँगी तो दिखाऊँगी, अभी हाफ पार्ट में ही मैंने तीन पार्ट बना दिए आधे पार्क में। वो देखिए बोटिंग भी हो रही है, और ये एरिया डिफरेंट है लेकिन सेम लगता है। अल्लाह, थोड़ा देर बैठना चाहिए छाँव में। फिर देखें सिटिंग अरेंजमेंट किया है, तो इधर बैठती हूँ मैं थोड़ी देर। जी फ्रेंड्स, मैं थक गई हूँ, बहुत पसीना भी आ गया, तो मैं इधर बैठ गई हूँ थोड़ी देर, अकेली हूँ, कोई नहीं, मज़े ले रही हूँ अकेले। गर्मी थी ना, पसीना आ रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखें इन्होंने शेड्स बनाए हुए हैं, ये देखें, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर दरख्त भी इतने ज़्यादा, ट्रीज हैं इतने घने हैं ना, तो अच्छा लग रहा है बैठ के, सुकून आ गया। और ये जो साउंड आ रहा है बर्ड्स का, आई थिंक, मुझे इस वीडियो में मैं म्यूज़िक नहीं डालती हूँ ताकि आप ये साउंड चेक करें कितना खूबसूरत है, ओरिजिनल व्यू और ओरिजिनल वॉइस, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए जी फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बैटरी मेरी मोबाइल की ख़त्म हो रही है, और मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से उठने को, लेकिन मजबूरी है ना, मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं अभी तक, तो
पहले पेट पूजा बाकी काम, क्या कहते हैं, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो वो कर रहे हैं। एक बज गया पाकिस्तान में और यहाँ 12 बज गए हैं और मैंने कल से कुछ नहीं खाया, डाइट पे जो हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे आपके मैसेज आते हैं कि इतना कुछ बनाती हो तो मोटी हो जाओगी, ये वो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा अपने लिए ही बनाती हूँ, जिस वीडियो शूट के लिए भी बना देती हूँ। और फ्राइडे को मेरा चीट डे होता है मोस्टली, तो फ्राइडे को खा लेती हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं ओमैट डाइट कर रही हूँ, 1 meal a day। तो उसमें एक मील लेना है पूरे 24 घंटे में। तो उसमें आप कुछ भी खा लें, इवन आप पिज़्ज़ा, KFC, बर्गर कुछ भी खाएं, आपका वेट कभी लूज़ नहीं हो, सॉरी, आपका वेट कभी वेट नहीं बढ़ेगा, कम ही होगा। ये फ्रेंड्स देखें कितने घने दरख्त हैं, खूबसूरत व्यू। तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा अगर ओमैट डाइट करते हैं आप। आप भी ट्राई कीजिए अगर किसी को जल्दी वेट लूज़ करना है। मेरी सिस्टर की शादी है पाकिस्तान में, तो मुझे वेट लूज़ करना है क्योंकि ड्रेसेस बहुत हैवी अच्छे नहीं लगते हैं, बंदा पतला हो, फिट रहना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वेट लूज़ किया है, मैंने बताया था आपको, बट अभी मज़ीद करना है और इंशाल्लाह टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना कि कितने सालों में मेरा वेट बढ़ा, इतना मतलब 5 सालों में, तो एटलीस्ट 1 साल या 5-6 महीने तो देने चाहिए ना। तो 1 महीने में किसी का वेट नहीं बढ़ता और ना ही कम होता है, तो टाइम लगेगा, 1 ईयर लगेगा, उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह, आप भी दुआ कीजिएगा, स्लिम हो जाऊंगी। और ये देखें यहाँ धूप आ गई है, और साइड साइड पे बीच है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे, बट बीच ऑलरेडी आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। आपको मैं ये ट्रीज दिखा रही हूँ, इधर बहुत फैला हुआ है मिट्टी में ना, ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी कल भी। और ये देखें ये दरख्त कैसा लग रहा है आपको, बैक साइड से दिखाती हूँ आपको, और माशाल्लाह से ये दरख्त कितने घने हैं। मुझे डर लगता है अकेले आने में, लेकिन दिन है तो चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये दरख्त देखें कैसे है, इस पे बैठने का अपना ही मज़ा होगा। चलो आयतल कुर्सी पढ़ के बैठ ही जाती हूँ। OMG, नहीं यहाँ पे तो वो है जिसको हम बोलते हैं भूंड, काट ही ना जाए, भीड़। वो दूसरी साइड थी और ये दूसरी साइड है पार्क की। यहाँ पे भी देखें, ये आई थिंक लेमन है, लेमन लग रहा है ना, लेकिन लेमन लगे नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स आप बताएं ये कौन सा है, लेमन का है या वैसे ही कुछ, जी जिसको पता है इस बारे में बताएं। ये देखें फूल भी लगे हुए हैं इस पे, और ये देखें कितनी अच्छी झूला है, ये क्या है, ये देखें यहाँ से नेट से चढ़ते हैं और यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है, हाँ यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखिए स्लाइड, अहमद अरफा, जब कभी आप इधर आओगे इंशाल्लाह आपको लेके आऊँगी, आप बहुत इंजॉय करोगे। और ये देखें फ्रेंड्स नेट लगा हुआ है, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतना मजबूत है कि जेंट्स क्या, लेडीज़ क्या, बड़े भी इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये देखें, ये आई थिंक लटकने के लिए बनाया। और ये देखें झूले लगे हुए हैं, अभी धूप है तो झूला तो बनता ही है। एक बार और, ये और हैं, वो और थे, और ऐसा नहीं है कि ये मजबूत होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे वेट से ही टूट जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत कीजिएगा। वाओ, धूप लग रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। पीछे देखें बीच है, आपको इधर का व्यू भी दिखाती हूँ।
वाह वाह वाह। ऐसे दूसरा झूला भी है ना, उसको ही ना लग जाए। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बाद झूले लिए मैंने, मजा आ रहा है। मुझे लगता है आधा घंटा तो पक्का मैं झूले लूंगी, वीडियो थोड़ी शूट करके, बट झूले जरूर लेना है। इस साइड से पकड़ते हैं, मुमताज कहती थी मुझे, अभी मैं सुनाती हूँ, वो बोलती थी हरा समंदर, और पता नहीं क्या बोलती थी आगे, इतना नहीं आ रहा था। ऐसे ही है, ऊपर से प्लेन्स गुजर रहे हैं, पीछे बीच है, ये देखें बीच है सारा, और आगे पार्क है, मस्त व्यू है। आज तो फ्रेंड्स मैंने बहुत बातें की आपके साथ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी बातें, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सब क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दूंगी, और मैं सबके वीडियो कमेंट्स अच्छे से रीड करती हूँ, तो इसलिए सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आऊँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें स्टोन्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये देखें वहाँ भी स्टोन्स पड़े हैं, दरख्त है, ये बीच है, उस तरफ शारजा है। मेरी कीज किधर है? इधर ही है, मैं डर गई थी कि कीज शायद मैं भूल गई हूँ कहीं पे। चलिए फ्रेंड्स, मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, सेफ मोड पे लगाया अभी मैंने, अब जो वीडियो बनती है अदरवाइज फिर वीडियो एंड करती हूँ मैं। पार्क ख़त्म नहीं हुआ, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, ये देख लें ऐसा है इधर। जी फ्रेंड्स, ये देखें ट्रैक कितने ही अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखें दरख्त कैसे स्टाइलिश हैं, ऐसा लगता है झूल रहे हैं। वो बीच समंदर नज़र आ रहा है आपको, और ये ट्रैक है, ये मस्जिद है, प्रेयर रूम है, यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे दो तीन प्रेयर रूम है, और वॉशरूम भी काफ़ी हैं, और सब साफ़ सुथरे हैं, बहुत ही अच्छे। और ये जगह जगह देखें, इन्होंने स्टोन्स लगाए हुए हैं ब्यूटी के लिए, ये देखें कितने प्यारे ट्रीज, ये देखें ये कौन सी किस्म है, कौन सा है, ये तो जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा ये कौन कौन से हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ वापसी की तरफ, क्योंकि मेरी बैटरी मोबाइल की लो हो गई है और कभी भी बंद हो सकती है, तो यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, तो चलते हैं फिर। जी फ्रेंड्स, इस तरफ भी झूले लगे हुए हैं, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए हैं, ये देखिए ये स्लाइड है, ये ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बनाई आई थी इन्होंने, ये देखें, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा घुमाएं तो, नहीं मूव नहीं हो रहा। और ये देखें ये स्लाइड्स हैं, ये आई थिंक बड़े बच्चों की हैं, और ये देखें ये आई थिंक पैरेट बनाया हुआ, ये झूला मज़े का है, और ये क्या है, ये भी कुछ झूला ही है शायद, और ये देखें सीसा हम लेते थे, मैं और मेरी सिस्टर सीसॉ बहुत लेते थे, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ भी झूले लगे हुए हैं दूसरे, लेकिन अभी नहीं लूँगी क्योंकि बैटरी लो है, और
ये देखें ये फ्रॉग है, डस्टबिन बनाई हुई है देखें फ्रॉग की, तो अच्छा है ना, काम भी करो और गंद मत फैलाओ। और यहाँ पे क्या है, ये आई थिंक हाउसेस बनाए हुए हैं आई थिंक, ये लोग देते हैं रेंट पे जिसको रहना है, अपार्टमेंट है आई थिंक सो। ओह माय गॉड, इस तरफ तो मैं गई नहीं, ये बीच पे ये देखें कितनी अच्छी सी बाउंड्री बना हुई है स्टोन्स की, ये देखें नीचे भी स्टोन्स, और ये देखें डिफरेंट कलर के। वो देखें दूर से ही दिखा देती हूँ, बहुत धूप है मैं नहीं जा सकती। ये देखें बैठने का भी अरेंजमेंट है, स्विमिंग का बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी मैं वापस जाना है, मैं थक गई हूँ। वो काइट वाला निकालो ऊपर, बस को ऊपर देखा जी। फ्रेंड्स मैं बहुत थक चुकी थी तो फिर मैंने कार लिफ्ट ली थी, तो ये इसका व्यू है देखें, फास्ट फास्ट आप पूरा मंजर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो बनाते वक्त मुझे पता ही नहीं चला मैं इतना दूर आ चुकी हूँ, पार्क के लास्ट कॉर्नर पे चली गई थी और वहाँ से यहाँ वापसी पे देखें कितना दूर है, काफ़ी किलोमीटर्स चल के आई थी तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और पानी भी साथ नहीं लेके गई थी तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जी फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंची हूँ मेन गेट पे, एक कार केबल कार से मैंने लिफ्ट ली थी क्योंकि बहुत थक गई थी, बहुत बड़ा पार्क है, मैं तो एंड पे कॉर्नर पे चली गई थी और उसके बाद यहाँ आना मुझे पता ही नहीं चला बातों बातों में मैं इतनी दूर आ गई हूँ।
2-3 किलोमीटर तो आराम से है, तो इतना चल के, और मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ, भूख लग रही और पानी भी नहीं, यहाँ कैफेटेरिया वगैरह है दूर दूर, बहुत प्यास लग रही थी, बट थैंक गॉड फाइनली मैं पहुँच ही गई हूँ और अब मैं वापस जाती हूँ। सॉरी ये नहीं है, गेट उस तरफ है, दूसरी रॉन्ग साइड पे आ रही हूँ, अभी तो वहाँ से आई हूँ, तो अब मैं वापस जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही यूएई व्लॉगर गुलनाज बानो को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा प्यार और ये दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, हम ममजर के बाद अभी मैं खाना खाने आई हूँ, देखें चादर भी छाई है जैसे मैंने बताया था, और आज हम खाना खा रहे हैं, ये रोटी देखें, ईरानी रोटी, कितनी बड़ी रोटी है ये, स्पेशल ईरान की, बहुत फेमस है, और साथ में ये क्या है ये देखो, पास में करो, चिकन कढ़ाई है ये, साथ में उन्होंने सैलेड दिया है, और ये हलवा दिया है मीठा, पानी है, और ये योगर्ट है।